हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजकुमार एंड टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 37। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेट 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे क्या, अगर मैं 1 प्लस x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दूं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो वो अपने पास ऊपर मिल जाएगा। तो और वो dx के साथ भी प्रेजेंट है, तो 2x dx किस में चला जाएगा, dt में। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, पुट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू t। अगर 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू t है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x और डिफरेंशियल एलिमेंट x का, तो dx इक्वल्स टू dt। यहां से क्या आ रहा है, 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x dx को dt रिप्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर को t से रिप्लेस कर दिया, ये तो 1 बाय t का इंटीग्रल बन गया। तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1 बाय t, दैट इज ln mod t प्लस c। अब t को वापस x के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया, तो t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो गया इक्वल टू ln mod 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, इंटीग्रल 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसका आंसर क्या गया, ln mod 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ये है log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। इसमें अगर मैं log x को t सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ओवर x, तो यहां पे 1 ओवर x दिख रहा है, वो dx के साथ में मल्टीप्लाई में भी है, तो अपना काम हो जाएगा। तो पुट log x इक्वल टू t, अगर log x को t लिया तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ओवर x, और यहां पे क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू dt। अब इस इंटीग्रल की तरफ देखा, यहां से क्या आ जाएगा, i इक्वल टू log x को t पुट किया, ये तो t स्क्वायर, अब ये इतना का पोर्शन है dx / x, dx / x वाला पोर्शन किस में चला जाएगा, dt। अब ये हो गया t स्क्वायर, t स्क्वायर में x टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज x पावर n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 दैट इज 3 प्लस c। अब t की जगह वापस log x सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 1 ओवर 3 log x का होल क्यूब प्लस c, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया, i इक्वल्स टू 1 ओवर 3 log x होल क्यूब प्लस c। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इंटीग्रेट 1 ओवर x प्लस x log x, तो यहां पे क्या रहा है, dx। तो फर्स्ट स्टेप, तो डिनोमिनेटर में से x कॉमन लिया, तो dx ओवर x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस log x। अब इसमें क्या सोचा कि अगर 1 प्लस log x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 ओवर x। ठीक है, यहां से अपन ने पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t, 1 प्लस log x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का हो जाएगा 1 ओवर x, और यहां पे क्या आएगा, dx इक्वल टू dt, यहां से क्या बन जाएगा, dx / x इक्वल टू dt। ठीक है, तो इस पोर्शन में, इस इंटीग्रल में इतना इतना पार्ट dx / x, इसकी जगह तो अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, dt, और 1 प्लस log x को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, t से। तो ये इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर t, 1 ओवर t का इंटीग्रल क्या होता है, ln mod t, तो ये क्या, ln mod t plus c। अब t की जगह अपन वापस क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वापस 1 plus log x, तो आंसर क्या आएगा, ln mod 1 plus log x plus c, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल sin x into sin cos x। ठीक है, क्वेश्चन है sin x sin of cos x। ठीक है, अब इसमें क्या देखा कि साइन के आर्गुमेंट में कोस एक्स है, तो ये एक पूरा का पूरा कंपोजिट फंक्शन है, और ये मैंने नोट में लिखा रखा है कि अगर कंपोजिट फंक्शन आता है तो 99% केस में अपन पहले कंपोजिट फंक्शन के आर्गुमेंट को टी पुट करते हैं, अगर वो काम करता तो ठीक है, अदरवाइज वी विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स। यहाँ पे तो ये काम कर जाएगा कि अगर मैंने कोस एक्स को टी पुट किया तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और वो साइन एक्स मेरे पास यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, पुट cos x इक्वल टू t, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x, यहाँ पे क्या आएगा, dx इक्वल टू dt।
यहाँ से माइनस चाहिए नहीं मेरे को, साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी, सब्स्टिट्यूट किया तो इसमें से इतना इतना पोर्शन कौन सा साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस पोर्शन की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डी टी, तो माइनस बाहर निकाल दिया और यहाँ पे क्या जाएगा डी टी, और यहाँ पे क्या है साइन ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स की क्या पुट किया टी, तो अगर माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन टी, इंटीग्रल ऑफ साइन टी क्या होगा माइनस कोस टी, तो फाइनली क्या जाएगा प्लस सी, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आएगा कोस टी प्लस सी, ये हो गया कोस टी, टी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे कोस एक्स प्लस सी, तो मेरा फाइनल जो आंसर है आई इक्वल टू इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा कोस ऑफ कोस एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, इंटीग्रेट इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। इसमें ये चीज देखने लायक है, अगर मैं साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दूं इसका डिफरेंशिएशन कोस ए एक्स प्लस बी आएगा, और जो कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट को अपन एडजस्ट कर सकते, इसमें क्या करेंगे ये मैंने लेट ये आई होगा यहां से बोल सकता हूँ कि पुट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा ए टाइम्स कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी, यहां से मैंने ए को उधर रिप्लेस किया तो फ्रॉम हियर आई विल गेट कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी ओवर ए, तो इंटीग्रल में क्या चेंज आएगा इंटीग्रल कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, उसकी जगह तो मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ डी टी अपॉन डी टी अपॉन ए, तो वन ओवर ए क्या है कॉन्स्टेंट है, तो उसको इंटीग्रल साइन के बाहर ले लिया, साइन ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी की जो मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ टी, तो वन ओवर ए ये हो गया टी टू द पावर वन, तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स पावर एन का क्या होता है एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये हो जाएगा टी स्क्वायर ओवर टू प्लस सी, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा वन ओवर ए टी स्क्वायर, टी का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रल निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। इसमें क्या किया, वैसे तो अगर अगर लीनियर वाला प्रॉपर्टी पता है तो लीनियर को एक्स की तरह ट्रीट कर लिया, तो ये तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन लिख रखा है, रूट एक्स का इंटीग्रल मैंने रटा रखा, या फिर दूसरे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहो आप तो उसमें से कर सकते हो पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, ठीक है। उस लीनियर को मैंने टी के इक्वल मान लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए टाइम्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, अगर डी एक्स इक्वल निकालना है तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन ए, ये क्या हो गया इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ टी डी एक्स इक्वल डी टी अपॉन ए, तो ए कॉन्स्टेंट है तो इसको इंटीग्रल साइन के बाहर ले जाए, तो ये क्या हो जाएगा वन ओवर ए इंटीग्रल रूट टी का मतलब टी टू द पावर वन बाई टू, ठीक है, वन ओवर ए t to the power 1 by 2 मतलब x power n का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा x power n plus 1, तो 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 plus c, ये कितना गया 1 over a t power 1 by 2 plus 1 मतलब 3 by 2 divided by 3 by 2 plus c, यहाँ से कितना आएगा 2 by 3 a into t power 3 by 2 plus c, अब क्या किया t का वैल्यू वापस x के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया, सो फ्रॉम हियर आई गेट 2 बाय 3 a इनटू t की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं ax प्लस b, पावर कितना हो जाएगा 3 बाय 2 प्लस c, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटीग्रेट x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इनटू dx, इसको इंटीग्रेट करना, तो जब भी अपने पास स्क्वायर रूट आता है स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं उसको टी स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, तो जब भी अपने पास रेडिकल साइन आएगा, रेडिकल साइन के केस में नोट में क्या लिखा रखा था, व्हेन एवर वी गेट द रेडिकल साइन वी विल यूज अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन टू रिमूव द रेडिकल साइन, तो यहाँ पे मैंने क्या किया एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अगर एक्स प्लस टू की जगह मैं टी स्क्वायर रखूंगा तो टी स्क्वायर का रूट वापस क्या हो जाएगा टी, ठीक है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाला दैट इज टी स्क्वायर माइनस सोल्व किया dx वैल्यू कितना आ गया dx इक्वल्स टू 2t इनटू dt, अब इंटीग्रल की तरफ है तो जहां जहां भी x नजर आ रहा है वहां पे मेरे को
क्या पुट करना है, टी स्क्वायर माइनस टू, अक्ष इज लिख दिया टी स्क्वायर माइनस टू, तो अक्ष प्लस टू की जगह अपन क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, क्या आ जाएगा टू, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टू टी, डी एक्स की जगह क्या पुट करना टू टी, टू तो बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी टाइम्स डी टी, सो फ्रॉम हियर आई गेट टू टाइम्स टी स्क्वायर ले रहा और टी स्क्वायर वो, तो टी पावर फोर माइनस टू टाइम्स टी स्क्वायर इंटू डी टी, अब इंटीग्रेट को ब्रेक कर दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा रखा तो इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा, तो फ्रॉम हियर आई गेट टू टाइम्स इंटीग्रल टी पावर फोर डी टी माइनस फोर टाइम्स इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी, यहाँ से कितना आ जाएगा टू अपॉन फाइव टी पावर फाइव माइनस फोर ओवर थ्री टी क्यूब प्लस सी, इसमें एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, यहाँ पे एन का वैल्यू फोर है तो फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा, और अगले वाले में टी स्क्वायर है तो एन का वैल्यू टू है तो टू प्लस वन थ्री, तो थ्री बाई थ्री, अब टी की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे टी की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक्स प्लस टू होल पावर वन बाई टू, इसके अंदर जहां भी टी आ रहा है उसको मैंने एक्स प्लस टू पावर वन बाई टू से रिप्लेस कर दिया, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट टू बाई फाइव एक्स प्लस टू वन बाई टू है तो यहाँ पे फाइव बाई टू हो जाएगा माइनस फोर बाई थ्री एक्स प्लस टू पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ठीक है ये इसका आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट से इंटीग्रेट एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें क्या किया अंडर रूट में जो भी आ रहा है उसको टी पुट किया, तो अगर टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे फोर एक्स आ जाएगा, तो फोर को एडजस्ट कर सकते हैं, तो अपने सपोज से काइंड ऑफ इसका डिफरेंशिएशन बाहर लिखा हुआ है तो उसको टी पुट कर दिया, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, पुट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को टी, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, टू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा फोर एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स को दूसरी साइड ट्रांसफर किया सो फ्रॉम हियर यू गेट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन फोर, तो यहाँ से क्या गया इंटीग्रल अक्ष इंटू डी एक्स, इसकी जगह तो मैंने रिप्लेस कर दिया डी टी बाई फोर, फोर इंटीग्रल साइन के बाद वन प्लस टू एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया टी, तो ये हो गया मेरा अंडर रूट टी, अब स्क्वायर रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन दिखा रखा है, दैट इज टू बाई थ्री टी पावर थ्री बाई टू प्लस सी, सॉल्व किया ये दो से दो टाइम चेंज कर देगा, फ्रॉम हियर आई गेट वन बाई सिक्स टाइम्स टी टू द पावर होल पावर थ्री बाई टू प्लस सी, टी का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, टी की जगह मैंने रख दिया वन प्लस टू एक्स स्क्वायर होल पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ठीक है तो ये मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल फोर एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टाइम्स डी एक्स, ठीक है तो इसमें क्या किया स्क्वायर रूट वाले को टी पुट किया, पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा टू एक्स प्लस वन टाइम्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है तो यहाँ से क्या आएगा इंटीग्रल, इसमें से अगर मैं दो कॉमन ले लूँ तो ऐसे बचेगा टू टाइम्स टू एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, अब सब क्वेश्चन किया टू तो कॉन्स्टेंट है और ये इतना था क्वेश्चन है टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ये किस में चला जाएगा डी टी में, सो हियर आई विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को मैंने टी से रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू डी टी, सो फ्रॉम हियर विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टू बाई थ्री टी टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी, तो ये फाइनली आ जाएगा मेरे पास फोर बाई थ्री टी टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ये क्या आंसर आ गया फोर बाई थ्री टी, टी का वैल्यू क्या रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो पावर कितनी है थ्री बाई टू प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन है इंटीग्रेट डी एक्स ओवर एक्स माइनस रूट एक्स, पहला स्टेप क्या है रेडिकल साइन से छुटकारा पाना है, रेडिकल साइन से छुटकारा पाने के लिए एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया टी स्क्वायर, तो यहाँ से डी एक्स क्या आ जाएगा टू टी इंटू डी टी, तो यहाँ से क्या आएगा डी एक्स के टू टी इंटू डी टी, तो टू बाहर आ जाएगा टी इंटू डी टी, एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस रूट एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा टी, तो ऊपर और नीचे से टी एक टी कैंसिल हो जाएगा, सो फ्रो हियर वी गेट डी टी अपॉन टी माइनस वन, तो टू टाइम्स ये तो वन अपॉन लीजिए लिखा है, वन अपॉन लीजिए लिखा तो उसका इसका इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स कितना हो जाएगा, वन ओवर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन मोड एक्स, एक्स इज क्या टी माइनस वन प्लस सी,
यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब भी अपन लीनियर को अक्ष की तरह ट्रीट करते हैं तो अक्ष के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, अक्ष या जिस भी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल के कोएफिशिएंट से। यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, तो वन से डिवाइड करने में कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ से आंसर क्या जाएगा, टू टाइम्स एल एन, टी का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस फोर डी एक्स। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अगर एक्स जीरो से छोटा हो जाएगा, ऐसे मानो कि एक्स जीरो से छोटा हो गया, मैंने ऐसे माना एक्स का भी माइनस फाइव किया, माइनस फाइव प्लस फोर क्या हो जाएगा माइनस वन, देट वॉन्ट बी डिफाइंड, ठीक है। इसलिए इसने बोला कि एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसमें क्या किया, वही बात, रेडिकल साइन से छुटकारा पाने के लिए एक्स प्लस फोर को टी स्क्वायर रूट किया, सो फ्रॉम हियर गेट डी एक्स इक्वल टू टू टी इंटू डी टी। तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, टी स्क्वायर माइनस फोर, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया एक्स की जगह लिखा टी स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर की जगह टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे टी, डी एक्स की जगह क्या आएगा टू डी टी, टू टी डी टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये टी और ये टी कैंसिल, सो आई विल गेट टू टाइम्स इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस फोर डी टी, ठीक है। तो टू टाइम्स टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी क्यूब ऑन थ्री माइनस फोर का इंटीग्रल फोर टी प्लस सी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टू को, तो टू टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस एट टी प्लस सी, टी की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, अब यहाँ से मैं टी का वैल्यू क्या रखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर, तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो आई विल गेट टू बाई थ्री, टी की जगह कर दिया एक्स प्लस फोर पावर वन बाई टू, ये हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस एट टाइम्स एक्स प्लस फोर पावर वन बाई टू प्लस सी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस वन होल पावर वन बाई थ्री, एक्स पावर फाइव को मैंने ऐसे किया एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। अब मैं से बोलूँ कि एक्स क्यूब माइनस वन है, अगर इसको मैं टी सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री को एडजस्ट कर सकते हैं, तब मैंने से बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वन का काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कर दिया, एक्स क्यूब माइनस वन को मैंने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा टी प्लस वन, डिफरेंशिएशन किया तो थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा डी टी ओवर थ्री, सब्स्टिट्यूट किया एक्स क्यूब माइनस वन की जगह टी है तो टी पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स क्यूब की जगह क्या है टी प्लस वन, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ डी टी बाई थ्री, तो अगर डी टी बाई थ्री है मतलब वन बाई थ्री आ जाएगा बाहर, वन बाई थ्री इंटू मल्टीप्लाई किया टी पावर वन बाई थ्री में अंदर, तो ये हो जाएगा टी पावर फोर बाई थ्री प्लस टी पावर वन बाई थ्री, ठीक है। इसका इंटीग्रल करना है दोनों में एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज वन बाई थ्री, टी पावर फोर बाई थ्री में वन एड करेंगे कितना हो जाएगा सेवन बाई थ्री, ये सेवन बाई थ्री हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा थ्री बाई सेवन प्लस टी टू द पावर वन बाई थ्री में वन एड करेंगे कितना हो जाएगा फोर बाई थ्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा थ्री बाई फोर, ठीक है। अब ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, थ्री कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन ओवर वन, वन ओवर सेवन टी टू द पावर सेवन बाई थ्री, और टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस वन, तो टी की जगह मैंने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वन होल पावर सेवन बाई थ्री प्लस ये वन बाई थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो थ्री से थ्री कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा ओनली वन बाई फोर, तो टी की जगह क्या आ रहा है एक्स क्यूब माइनस वन होल पावर फोर बाई थ्री प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस थ्री एक्स क्यूब होल क्यूब इंटू डी एक्स, डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसको टी पुट किया, तो ये हो गया टू प्लस थ्री एक्स क्यूब को टी पुट किया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना आ गया डी टी ओवर नाइन, तो सब्स्टिट्यूट किया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के डी टी ओवर नाइन, तो नाइन बाहर आ जाएगा इंटीग्रल साइन के, टू प्लस थ्री एक्स क्यूब उसकी जगह पर टी पुट करें तो टी क्यूब हो गया, तो यहाँ से आएगा वन ओवर नाइन इंटीग्रल टी टू द पावर माइनस थ्री इंटू डी टी, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाया
तो वो हो जाएगा टी पावर एन प्लस वन, तो माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री प्लस वन प्लस सी। यहां से कितना माइनस थ्री प्लस वन हो जाएगा माइनस टू, माइनस टू को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज माइनस वन बाई एटीन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टी पावर माइनस टू प्लस सी। टी का वैल्यू क्या पुट कर दिया, टू प्लस थ्री एक्स टू, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट माइनस वन बाई एटीन। टी की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, टू प्लस थ्री एक्स क्यूब, और टी टी की पावर माइनस टू है उसको नीचे लेके आएगी टी स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ गया माइनस वन बाई एटीन इंटू वन ओवर टू प्लस थ्री एक्स क्यूब। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रल डीएक्स ओवर एक्स टाइम्स लॉग एक्स होल पावर एम एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसमें लॉग एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, और वो डीएक्स के साथ में मल्टीप्लाई में भी आ रहा है, तो लॉग एक्स को क्या पुट किया टी। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट डीएक्स इक्वल टू टी का डिफरेंशियल एलिमेंट डीटी। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया dx by x है, कितना इतना पोर्शन है dx by x, तो किसमें हो जाएगा dt। यहाँ पे dt over log x को सब्स्टिट्यूट किया t से, तो ये t to the power m, so from here I'll get t to the power minus m into dt। x to the power n का फॉर्मूला लगाया that is x power n plus 1 divided by n plus 1, so from here I'll get 1 over 1 minus m into 1 over t to the power m minus 1 plus c, t को वापस log x से replace करते हैं, so my final answer will be 1 minus m into 1 over t की जगह क्या replace कर देंगे log x whole power m minus 1 plus c। ठीक है, ये इसका आंसर है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज x over 9 minus 4 x square, इंटीग्रल x x upon 9 minus 4 x square into dx। सोचो डिनोमिनेटर को t पुट कर दें तो 9 का डिफरेंशिएशन 0, minus 4 x square का minus 8 x, minus को एडजस्ट कर सकते हैं और x dx ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। सो यहां से क्या पुट किया 9 minus 4 x square को t पुट किया, 9 का डिफरेंशिएशन 0, minus 4 x square को जाएगा minus 8 x into dx equals to dt। तो यहां से अक्ष dx का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन 8। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस 1 बाई 8, तो बाहर आ जाएगा अक्ष dx इनटू डी टी अपॉन 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, तो माइनस 1 बाई 8 1 ओवर टी। 1 ओवर टी का डिफरेंशिएशन क्या, 1 ओवर टी का इंटीग्रल क्या होता है दैट इज ln mod t, और फाइनली क्या ऐड करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t का वैल्यू वापस x के टर्म में रिप्लेस कर दिया, तो t को dx सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, so from here I'll get minus 1 by 8 ln mod 9 minus 4 x square mod plus c, so ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, let's move to the next question, question number 16। question number 16 is e to the power 2x plus 3, e to the power 2x plus 3 into dx, linear को t put किया, तो 2x plus 3 equals to t, differentiation किया, 2 times dx equals to dt, यहां से dx कितना मिलेगा dx equals to dt upon 2, यहां से आंसर आएगा 1 over 2 e to the power 2x plus 3 की जगह t आ जाएगा, और dx की जगह dt upon 2, तो dt upon 2 1 by 2 constant, तो इसको इंटीग्रल साइन के बाहर निकालें 1 by 2 e power t का इंटीग्रल e power t, और फाइनली ऐड करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो फ्रॉम हियर आई गेट 1 by 2 e to the power t, t की जगह 2x plus 3 plus c, so that's our final answer 1 over 2 into e to the power 2x plus 3 plus c। ठीक है, let's move to the question number 17। question number 17 is x over e to the power x square, integral x upon e to the power x square dx, x square को t put किया, तो x square को t put करने पे क्या होगा 2x into dx equals to dt, 2 को उधर replace किया तो x into dx equals to क्या हो जाएगा dt upon 2। ठीक है, तो x dx को लिखा dt upon 2, तो dt upon 2 तो 1 upon 2 e to the power x square को t, 1 over 2
to the power minus t into dt. माइनस टू क्योंकि डिनोमिनेटर में e पावर t है, ऊपर लेके जाएंगे तो e पावर माइनस t. अब क्या करेंगे, e पावर माइनस t का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये तो e की पावर माइनस t तो एक काइंड ऑफ लीनियर आ गया, लीनियर का सबसे पहले इंटीग्रेट किया 1 ओवर 2, इसको x की तरह ट्रीट किया e पावर माइनस t, e पावर माइनस e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है. अब अगर माइनस t को x की तरह ट्रीट किया है तो इसमें क्या करेंगे कि जो t का कोएफिशिएंट से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पे t का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस वन है तो उसको माइनस वन से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे क्या जाएगा फाइनली प्लस सी. फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस वन अपॉइंट टू ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी. अब टी की वैल्यू मैंने वापस अक्स टी का वैल्यू वापस अक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो माइनस वन अपॉइंट टू ई टू द पावर माइनस अक्स स्क्वायर प्लस सी. ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंटीग्रल e to the power tan inverse x upon 1 plus x square. तो ये तो बहुत ही जी, अगर tan inverse x को मैं t पुट कर दूं, इसका डिफरेंशिएशन पता है 1 over 1 plus x square, वो dx के साथ में मल्टीप्लाई में दिया है, तो यहाँ पे put tan inverse x equals to t. तो tan inverse x का डिफरेंशिएशन 1 over 1 plus x square into dx equals to dt. सो गया, ये हो जाएगा इंटीग्रल e to the power tan inverse x square dt dx over 1 plus x square, मतलब इतना इतना पोर्शन किसमें चला जाएगा, ये चला जाएगा dt. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, e to the power t का इंटीग्रल e to the power t plus c, t को वापस रिप्लेस कर दिया x के टर्म्स में, दैट इज e to the power tan inverse x plus c. ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रल e to the power 2x minus 1 अपॉन e to the power 2x plus 1 into dx. ठीक है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक e power x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या जाएगा, e to the power x कॉमन लेके दिया e power x minus e to the power minus, डिनोमिनेटर में से e power x कॉमन निकालेंगे तो e power x into e power x plus e to the power minus x into dx. ये e power x, ये e power x कैंसिल हो गया. अब इससे फायदा क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में जनरेट हो जाता है. मैं समझता हूँ e to the power x plus e to the power minus x equals to t. तो डिफरेंशिएशन किया e to the power x पर e to the power x. e to the power minus x का जगह माइनस ऑफ e to the power minus x into dx equals to dt. ऊपर वाला तो ये एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन मिल गया, ये into dx को अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, dt. तो ये तो ऐसी चीज होगी dt upon t. अब dt upon t का इंटीग्रल क्या होता है, ln mod t plus c. अब t का वैल्यू वापस dx सब्स्टिट्यूट कर दिया x के टर्म्स में, तो t की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, e to the power x plus e to the power minus x. तो ये हो गया e to the power x plus e to the power minus x plus c. तो ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रल e to the power 2x minus e to the power minus 2x upon e to the power 2x plus e to the power minus 2x dx. ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये तो उसी फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में अपने को चाहिए थे. अगर मैं डिनोमिनेटर को t पुट करूं तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा, एक 2 कोएफिशिएंट एक्स्ट्रा आएगा, 2 को अपन दूसरी साइड भेज सकते हैं. तो इसमें क्या किया, e to the power put e to the power 2x plus e to the power minus 2x को e to the power 2x का differentiation 2 times e power 2x, e to the power minus 2x का differentiation minus 2 times e to the power minus 2x. ठीक है, यहाँ पे dx equals to dt, दो common ले लिए, so from here I'll get e power 2x 2 times minus e to the power minus 2x dx equals to dt. 2 को right hand side में भेज दिया, तो e power 2x minus e to the power minus 2x into dx equals to dt upon 2. ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, ऊपर वाला ये जो है e to the power 2x minus e to the power minus 2x into dx, इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, dt upon 2. 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको 1 by 2 के रूप में इंटीग्रल साइन के बाहर निकले, डिवाइडेड बाय e to the power x into e to the power minus x की जगह अपने क्या रिप्लेस किया, t. यू गेट dt upon t. अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, 1 by 2 dt upon t. 1 by t का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज ln mod t plus c. तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 over t ln mod t. t की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, e power 2x plus e to the power minus 2x.
So you get e to the power 2x plus e to the power minus 2x mod plus c. तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है? सो दैट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर एंड रिमेनिंग क्वेश्चन विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर.